तो नमस्कार दोस्तों, टेक गाइड के यूट्यूब चैनल में आप सभी लोगों का एक बार फिर से स्वागत है। जैसा कि आप सभी लोगों को पता है कि भारत सरकार की तरफ से पोस्ट ऑफिस के लिए लगभग 41,000 भर्तियों का नियुक्ति होना शुरू हो गया है। तो आज के इस वीडियो में हम आपको GDS फॉर्म को अप्लाई करने का पूरा कंप्लीट प्रोसेस इस वीडियो में दिखाने वाले हैं, इसलिए हमारे इस वीडियो को पूरा देखिएगा। अगर आप सभी लोगों को वीडियो पसंद आती है तो वीडियो को जरूर एक लाइक कर दीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा इसी तरह का लेटेस्ट अपडेट पाने के लिए। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट कर लेते हैं। तो दोस्तों, इस फॉर्म को फिल करने के लिए आपको इस पोर्टल पर आना होगा जो कि इंडिया पोस्ट का ऑफिशियल पोर्टल है। इसका लिंक आपको हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, वहां से आप क्लिक करके इस वेबसाइट इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो सकते हैं, या फिर आप अपने ब्राउजर में टाइप करेंगे www.indiapostgdsonline.gov.in तो भी आप इस पोर्टल पर रिडायरेक्ट हो जाएंगे। इस पोर्टल पर आने के बाद में फॉर्म को फिल करने के लिए सबसे पहले आपको यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन करना होगा, जिसके लिए आप यहां पर अपना 10 डिजिट का मोबाइल नंबर डालेंगे। उसके बाद में वैलिडेट मोबाइल नंबर पर क्लिक करेंगे तो आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, जिसको आप यहां पर डालेंगे। देन उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर अपना ईमेल एड्रेस डालना होगा। उसके बाद में जैसे ही आप वैलिडेट ईमेल पर क्लिक करेंगे तो आपके ईमेल पर एक OTP जाएगा, जिसको आप यहीं पर डालेंगे। उसके बाद में आप यहां पर नीचे आएंगे तो आपको एप्लीकेंट नाम डालना होगा। उसमें आपको यह देखना होगा कि आपके मार्कशीट में जो भी नाम सेम टू सेम लिखा है उसी को आप यहां पर सेम फिल कर देंगे। उसके बाद में आप यहां पर फादर या मदर नेम डालेंगे, जो आपके मार्कशीट में लिखा होगा, जैसा नाम लिखा होगा उसको आप यहां पर डाल देंगे। उसके बाद में आप डेट ऑफ बर्थ सेलेक्ट करेंगे, अपना यहां पर आप डेट ऑफ बर्थ डाल देंगे। उसके बाद में आप यहां पर अपना जेंडर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे तो आप यहां पर अपना कम्युनिटी सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहां पर सर्कल सेलेक्ट करेंगे कि आप किस सर्कल में आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहां पर अपना सर्कल सेलेक्ट कर लेंगे। उसके बाद में आपको यहां पर ईयर ऑफ पासिंग डालना होगा, मतलब आपने किस ईयर में हाई स्कूल पास किया है, तो आप यहां पर सेलेक्ट कर लेंगे कि किस ईयर में आपने पास किया है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर जो आपको इधर दिखाई दे रहा है कैप्चर कोड, उसको सेम टू सेम यहां पर फिल करेंगे। उसके बाद में आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आएगा, जिसमें आपको यहां पर आपकी डिटेल दिखा दी जाएगी जो आपने रजिस्ट्रेशन करते वक्त फिल किया है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप यहां पर देख पाएंगे कि आपको यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालना होगा, जो कि आप यहां पर अपना आधार कार्ड नंबर डालेंगे। उसके बाद में आपके अंदर अगर कोई डिसेबिलिटी है तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे यस या नो, अगर आपके अंदर नहीं है तो नो कर देंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप यहां पर अपना कैटेगरी सेलेक्ट करेंगे, सब कैटेगरी। उसके बाद में आप नीचे देखेंगे कि आपको यहां पर आपकी लैंग्वेज पूछी जा रही है कि आपको कितने लैंग्वेज की जानकारी है, तो आप यहां पर अपना लैंग्वेज सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यहां आपको पूछा जा रहा है कि आप कहीं जॉब कर रहे हैं, मतलब एम्प्लॉयड हैं या नहीं है। अगर आप एम्प्लॉयड हैं तो यस करेंगे, अदरवाइज आप यहां पर नो पर क्लिक कर देंगे। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर अपनी फोटो अपलोड करनी होगी, जिसका डायमेंशन और साइज यहां पर दिया हुआ है। उसके बाद में आप नीचे आएंगे तो आपको यहां पर अपना सिग्नेचर अपलोड करना होगा, इसका भी डायमेंशन और साइज यहां पर दिया हुआ है। इसको आप किसी दूसरे वेबसाइट से जा करके इसका अपना डायमेंशन और जो है साइज इसको सेट करेंगे, जिसके लिए आप इमेज रिसाइजर का आप यूज कर सकते हैं। ये अच्छी वेबसाइट है जिस पर अपना जो है फोटो वगैरह अच्छे तरीके से रिसाइज कर सकते हैं और उसका जो है डायमेंशन भी वहां पर सेट कर सकते हैं। सभी डिटेल को फिल करने के बाद में आप सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में आपके सामने पूरा प्रीव्यू ओपन होकर आ जाएगा, इसको आप वेरीफाई कर लेंगे। उसके बाद में स्क्रॉल करके नीचे आएंगे। नीचे आने के बाद में आप यहां पर चेक करेंगे। उसके बाद में फिर से आप सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप यहां पर देख पाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन सक्सेसफुली हो गया है। उसके बाद में आपको यहां पर आपका रजिस्ट्रेशन नंबर दिखा दिया गया है, यही रजिस्ट्रेशन नंबर आपके मोबाइल नंबर पर भेज दिया जाता है मैसेज के थ्रू। उसके बाद में इस एप्लीकेशन को अप्लाई करने के लिए फिर से आप कंटिन्यू टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू टू अप्लाई के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक न्यू पेज पर, जिसमें आप यहां पर देख पाएंगे आपका रजिस्ट्रेशन नंबर ऑटोमेटिक यहां पर फिल हो गया है। उसके बाद में आप यहां पर सर्कल अप्लाइंग फॉर यहां पर सेलेक्ट करेंगे, इसका मतलब यह है कि आप किस एरिया से इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहां पर सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप फिर से सबमिट बटन पर क्लिक करेंगे। सबमिट बटन पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपके रजिस्टर्ड मोबाइल नंबर पर एक OTP गया है, जिसको आपको यहां पर नीचे डालना होगा। इसके लिए आप यहां पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में जो भी OTP आया हुआ है आपके मोबाइल नंबर पर उसको आप यहां पर डालेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे तो आपको जो कैप्चर कोड दिखाई दे रहा है
इसको आप सेम टू सेम यहां पर फिल करेंगे, उसके बाद में फिर से आप नेक्स्ट बटन पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने आपका एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप यहां पर अपना नाम देख सकते हैं, उसके बाद में आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख सकते हैं। उसके बाद में इस फॉर्म को फिल करने के लिए आप नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर अपना एड्रेस फिल करना होगा, जिसमें आप यहाँ पर कम्युनिकेशन एड्रेस फिल करेंगे। जो भी आपका कम्युनिकेशन एड्रेस होगा सेम टू सेम आप यहाँ पर फिल कर देंगे। उसके बाद में आपका कम्युनिकेशन एड्रेस और परमानेंट एड्रेस अगर सेम है तो आप यहाँ पर सेम एज कम्युनिकेशन एड्रेस पर चेक करेंगे तो आपका यही डिटेल यहाँ पर उठकर आ जाएगा, इसमें आपको फिल करने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि आपका परमानेंट एड्रेस अलग है तो आप इसको चेक नहीं करेंगे, आप यहाँ पर परमानेंट एड्रेस आप मैनुअली फिल करेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर क्वालिफिकेशन डिटेल देनी होगी, जिसमें आप यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे कि आपने किस बोर्ड से पास आउट किया है, तो आप यहाँ पर अपना बोर्ड सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप देखेंगे कि थोड़ा सा पेज लोड हो रहा है, उसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आपको यहाँ पर रिजल्ट टाइप सेलेक्ट करना होगा, जिसमें आप यहाँ पर मार्क पर क्लिक करेंगे। यहाँ पर आपको मार्क्स दिखाई दे रहे हैं, इस पर आपको चेक करेंगे तो थोड़ा सा पेज लोड होगा। उसके बाद में आप देखेंगे कि आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ गया है, जिसमें आप यहाँ पर देख पा रहे हैं आपको यहाँ पर अपना सब्जेक्ट सेलेक्ट करना होगा कि आप किस सब्जेक्ट को आप यहाँ पर लेना चाहते हैं। जो भी आपका सब्जेक्ट होगा, वो आप यहाँ पर 6 सब्जेक्ट हैं तो 6 सब्जेक्ट को आप एक एक करके सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में आप यहां पर अपने सब्जेक्ट का जितना नंबर आपको मिला होगा वो आप डालेंगे, जैसे 100 है यहां पर, तो 100 में से आपको कितने नंबर मिले हैं वो आपको यहां पर डालना होगा। उसके बाद में आप नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप यहां पर सेव एज कंटिन्यू पर क्लिक करेंगे। देन आपके सामने आपका कैंडिडेट एप्लीकेशन फॉर्म ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन डिटेल देख पाएंगे। उसके बाद में आप इस पेज को स्क्रॉल करके नीचे आएंगे तो आप यहां पर देखेंगे कि आपको यहाँ पर डिवीजन अप्लाइंग यहाँ पर सेलेक्ट करना होगा, मतलब आप किस डिवीजन से आप इस फॉर्म को अप्लाई करना चाहते हैं, तो आप यहाँ पर उसको सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद में नीचे आएंगे तो आपको यहाँ पर डिक्लेरेशन दिया गया है, इसको आप चेक करेंगे। उसके बाद में नीचे आकर के आप सेव एंड प्रोसीड के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। सबमिट के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आप देखेंगे कि आपका एप्लीकेशन फॉर्म यहाँ पर सक्सेसफुली सबमिट कर लिया गया है। उसके बाद में आप यहां पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। ओके के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में अब आपको यहां पर फीस का पेमेंट करना होगा, इसके लिए आप यहां पर ओके के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। क्लिक करने के बाद में आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप यहां पर अपना रजिस्ट्रेशन नंबर देख पाएंगे, उसके बाद में आप यहाँ पर मोबाइल नंबर और आपका नाम दिखा दिया जाएगा। देन उसके बाद में आपको यहाँ पर फीस दिखा दी जाएगी कि कितने रुपए की आपको पेमेंट करनी है, तो उसके बाद में आप यहाँ पर मेक पेमेंट पर क्लिक करेंगे। मेक पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपको रिडायरेक्ट कर दिया जाएगा पेमेंट आप गेटवे पर, जिसमें आप यहाँ पर देख पाएंगे कि आप इतने मोड के थ्रू आप यहाँ पर पेमेंट कर सकते हैं, जिसमें आप यहाँ पर क्रेडिट कार्ड, डेबिट कार्ड और अदर डेबिट कार्ड, इंटरनेट बैंकिंग, वॉलेट, कैश कार्ड, QR कोड, UPI, इन सभी के थ्रू अपना पेमेंट कंप्लीट कर सकते हैं। तो जैसा कि हमें इंटरनेट बैंकिंग के थ्रू करना है तो इंटरनेट बैंकिंग के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। उसके बाद में आप यहां पर अपना बैंक सेलेक्ट करेंगे, उसके बाद में नीचे आएंगे, नीचे आने के बाद में आप यहां पर मेक पेमेंट पर फिर से दोबारा क्लिक करेंगे। देन आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस फिर से खुलकर आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर प्रोसीड विद पेमेंट के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू विद पेमेंट पर क्लिक करने के बाद में आपके इंटरनेट बैंकिंग का लॉगिन पेज ओपन होकर आ जाएगा, जिसमें आप यहाँ पर अपना यूजर आईडी डालेंगे, उसके बाद में कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे। कंटिन्यू के ऑप्शन पर क्लिक करने के बाद में आपको अपना पासवर्ड डालना होगा। पासवर्ड डालने के बाद में आपके मोबाइल नंबर पर एक OTP आएगा, वन टाइम पासवर्ड, उसको आप डालेंगे। उसके बाद में आपके बैंक अकाउंट से 100 रुपीज कट हो जाएंगे। उसके बाद में आपका ये एप्लीकेशन फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट कर लिया जाएगा। उसके बाद में आप वहीं से अपना एप्लीकेशन फॉर्म भी डाउनलोड कर पाएंगे। तो आज के इस वीडियो में हमने जाना कि इस तरीके का फॉर्म आप कैसे फिल कर सकते हैं, उसका मैंने पूरा जानकारी आप सभी लोगों को इस वीडियो में दे दिया है। अगर आप सभी लोगों को ये वीडियो पसंद आई है तो वीडियो को लाइक करिए, चैनल को सब्सक्राइब करिए और इसी तरह का वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लीजिए, ताकि जब हम इसी तरीके का वीडियो डालें तो आप सभी लोगों को नोटिफिकेशन पहुंचे। तो आज के लिए बस इतना ही, हम मिलते हैं किसी और वीडियो में किसी और टॉपिक के साथ में, तब तक के लिए गुड बाय।